है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप। तो ये जो वीडियो है ना टाइटल पे देख चुके हो यार, यार डिजिटल मार्केटिंग आप क्विट कर दो, क्योंकि यार काफी सारा भीड़ हो रहा है और यार इंडस्ट्री को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पिछले दिनों हमने एक पोस्ट डाला था, हमें एटलीस्ट 35 डिजिटल मार्केटर अलग अलग लेवल के रिक्वायरमेंट थे क्लाइंट के लिए, तो उसमें से 25 रिक्वायरमेंट तो हमने फुलफिल कर लिया हमारे एकेडमी से, लेकिन 10 रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम 100 से ज्यादा सीरीज आए थे, यूट्यूब पे डाला था, सोशल मीडिया पे डाला था, सारे के सारे रिजेक्ट हुए। तो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा क्या है। आज ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि यार ये कड़वा सच है, बहुत लोगों का यू नो दिल टूट जाए, लेकिन यार सही एक्सपेक्टेशन के साथ अगर एक करियर बिगिन करेंगे तो काफी आगे जाओगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। आप बहुत सारे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के साथ या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ इस इंडस्ट्री में आते हो और कुछ कुछ सपना देखते हो, जब वो सपना आपका पूरा नहीं होता है भाई आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचता है और आप ब्लेमिंग और आप क्रिबिंग रोने वाले मोड पे आ जाते हो, राइट। सो देखो दोस्त, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं चाहता हूँ कि आप इसे 1.5x पे देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप करियर बिगिन करना चाहते तो इस इंडस्ट्री में या तो इस करियर में ऑलरेडी हो एक साल से और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, ये वीडियो का सिंपल सा फंडा है। 90% आज के डेट पे जो डिजिटल मार्केटिंग में है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में कुछ इशू है। लोग कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, भाई कंपटीशन कहाँ बढ़ गया है, कंपटीशन तब बढ़ता है जब मार्केट में इनटेक कम हो जाए, क्योंकि मार्केट में तो रिक्वायरमेंट है, मार्केट में तो हायरिंग हो रही है, मार्केट में तो अभी 98% ऑफ बिजनेसेस अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कंपटीशन बढ़ गया। भाई कंपटीशन बढ़ा नहीं है, स्किल डेफिशिएंसी हो गया आज के डेट पे, सभी के सभी मीडियोकर स्किल लो एंड स्किल के साथ अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह रहे हैं, राइट। भाई टाइम चेंज हो गया, वो 2015-16 सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करने वाला डिजिटल मार्केटिंग अभी रहा नहीं, राइट। आप अगर अपने घर के बाहर जाके देखो, 100 बिजनेसेस को एक्सेस करो, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो फनल्स, डिजिटल मार्केटिंग एड्स या तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। 100 में से ऐसे यार 2-3 बिजनेस भी आपको मिल गए तो बहुत है, जिनका एक प्रॉपर सा वेबसाइट भी हो, तो बिजनेस तो अभी शुरू हुआ है, राइट। मार्केट तो अभी खुला है। द पॉइंट इज, क्या आप में वो दम है क्या, क्या आप कोई सपनों का महल बना के रखे हो क्या, क्या आप यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे कॉन्टेंट देख रहे हो कि जो सिर्फ आपको हवा दे रहे हैं, आपको स्कैम कर रहे हैं और आप वही यू नो बहती हवा सा था वो करके घूम रहे हो। सबसे पहले चीज आप समझो, 90% लोग क्यों फेल हो जाएंगे इस इंडस्ट्री। मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केट टू अंडरस्टैंड ए मार्केट, मार्केटिंग के 3 पहलू होते हैं, जैसा आप स्क्रीन के देख रहे हो। मार्केटिंग इज लाइक ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है M फॉर मार्केटिंग, एक ट्रायंगल का एक पार्ट होता है M फॉर मैसेजिंग, दूसरा होता है M फॉर मीडिया यानी कि टूल्स, मार्केट यानी कि ऑडियंस और कॉम्पिटिटर, मैसेज यानी कि जो एड कॉपी एंड टूल यानी कि मीडिया, राइट। आज के डेट पे आप सिर्फ और सिर्फ टूल्स का ज्ञान लेके बैठे हो कि मैं गूगल एड और मेटा एड्स पे मुझे सिर्फ बटन्स दबाने आते हैं, आप एक सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे सोचते हो, लेकिन कहीं भी आप लोगों का मार्केट रिसर्च, आप किसे टारगेट करोगे, टारगेट का डेमोग्राफिक क्या है, साइकोग्राफी फीचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो सिमिलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इस चीज को स्ट्रैटेजाइज करने का कॉम्पिटेंसी क्या आपके अंदर है, प्लस आपको समझ में आ गया कि ये मेरा ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, उनको क्या मैं मैसेजिंग करूं, क्या एज अ स्टोरी टेलिंग कन्वर्टिंग हुक ऑफर्स रेडी करूं ताकि वो जब स्क्रॉल कर रहा है टाइमलाइन तो मेरे ही पर्टिकुलर एड के ऊपर वो क्लिक करे, राइट। देखो टूल्स क्या है, टूल्स आपके मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा, राइट, जस्ट लाइक ए पोस्टमास्टर, लेकिन कहां पहुंचाना, इस चीज का रिसर्च का नॉलेज क्या रहेगा उस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर, इस चीज को डेवलप करने का नॉलेज 90% लोगों में नहीं है। आई एम प्रीटी मच श्योर, मेरा यूट्यूब के ऊपर एक कॉपी राइटिंग का कंप्लीट एक चैनल पड़ा हुआ है, राइट। बहुत सारे कॉपी राइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब वो कॉल करके कहते हैं इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटिंग ट्यूटोरियल ऑन प्लैनेट, राइट। वो कंप्लीटली इंग्लिश में, चाहो तो वो भी देख सकती हो। ये क्रिंज कंटेंट को देखना बंद करो, राइट। सबसे पहली बात यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग के अंदर चीजें क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहूंगा, आप लोगों को लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसरिंग करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं लखपति बन जाऊंगा। मेरे को एक बंदे ने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया, सर मैं भी सोशल मीडिया कर रहा हूँ, क्रिएटिव वगैरह पोस्ट करता हूँ और 20,000 कमा रहा हूँ, कैन यू टेल मी द फ्रेमवर्क कि मैं 6 महीने में 1 करोड़ कैसे बना सकता हूँ। इसे कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखो दोस्त, आप पैसे तभी बनाओगे $5,000 देने के बाद आप कस्टमर के लाइफ में $50,000 का वैल्यू एड कर सकते हो क्या? आप
अपने क्लाइंट को ये कमिट कर सकते हो? क्या आपके पास वो एविडेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, केस स्टडी है, जिसके थ्रू आप ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट चीजें सेल कर सकते हो क्या कि भाई इफ यू गेट पे मी 5,000 रुपीज मैं आपको $5,000 का रिटर्न दूंगा? अगर ये प्रूव कर दोगे ना तो आपको $5,000 मांगने की जरूरत नहीं है, दे विल बी चेजिंग यू एंड गिविंग द मनी। ट्रस्ट मी 90% पीपल राइट नाउ इन द मार्केट जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली फेक। नंबर थ्री, आप एनालिटिक्स क्या है अभी तक नहीं समझ पाए। देखो, एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चैनल का यूएसपी यानी कि जो मेन क्रक्स होता है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बिकॉज द एबिलिटी टू मेजर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था, हम मेजर नहीं कर पाते चीजों को, लेकिन यहाँ पे हम हर एक कैंपेन को, हर एक एंगेजमेंट को हम मेजर कर पा रहे, वही तो है यूएसपी, वही है यूएसपी। आप एनालिटिक्स को कितने फोकस तरीके से समझ रहे हो, क्या कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप एड चला रहे हो लेकिन आपको कस्टमर के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नॉलेज नहीं, आप ऐड चला रहे हो लेकिन आप कॉस्ट पर लीड कितना टेक्निकली आ रहा है कि कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कम हो, इन सारे चीजों का आप क्यों नॉलेज नहीं ले रहे, राइट? यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग एनालिटिक्स। नंबर फोर, आप सोच रहे हो कि यार आई विल जस्ट लर्न फेसबुक एंड गूगल एंड एवरीथिंग विल वर्क, मैं कोई एक स्किल ले लूं। देखो, ये जो भ्रम है ना कि मैं अपना करियर बिगिन कर रहा हूँ, कोई एक स्किल सीख लूंगा तो मैं सुपर सॉलिड रॉक स्टार बन जाऊंगा, हाईली इन डिमांड प्रोफेशनल बन जाऊंगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इस इंडस्ट्री में ना 10 साल मैंने नौकरी की है, आई वर्क्ड इन मल्टीपल कॉर्पोरेट, एग्जीक्यूटिव में अपना करियर शुरू किया, मार्केटिंग डायरेक्टर के पोजिशन में कॉर्पोरेट से मैंने एग्जिट लिया बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्ट कंपनी सर्विस कंपनी, राइट? तो मैंने घोल के पिया हुआ इस इंडस्ट्री को, इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने खुद दिए भी है फॉर द जॉब एंड ऑल। See, इसमें दो मिथ है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, दो मिथ आपके आज बस्ट करता हूं। सबसे पहली बात, आप बोलोगे सर मैं फेसबुक ऐड सीख लूं, भाई फेसबुक ऐड अपने आप में ही कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है। एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन में दो चीज होते हैं, प्री क्लिक एंड पोस्ट क्लिक। क्लिक करने से पहले आपके ऐड के ऊपर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, व्हाट आर द गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, इनिशियल ग्राउंड वर्क। पोस्ट क्लिक यानी कि क्लिक करवा के जब आप अपने पोर्टफोलियो अपने मैसेज के ऊपर जब कस्टमर को लेके आओगे, वहां पे आपको किन किन चीजों की ध्यान में रख, जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, प्री क्लिक में सबसे पहले ऑडियंस टारगेटिंग आपको आना जरूरी है, कॉम्पिटिटर रिसर्च आना जरूरी है, बजट एलोकेशन कैसे करोगे अमंग द सेगमेंट्स, अमंग द एड ग्रुप्स, अमंग द एड सेट्स, राइट? एड कॉपी कैसे टेस्टिंग करूंगा, ऑल दिस थिंग्स कम्स बिफोर यू रन द कैंपेन। ये सारा मेटा एड के बाहर काम होता है। फिर एक बार क्लिक आ गया, क्लिक होने के बाद हिट मैप्स है ना, एंगेजमेंट चेक करने के लिए बाउंस रेट क्या जा रहा है आपका ट्रैफिक का, रेलेवेंट ट्रैफिक लेके आ रहे हो क्या। नंबर थ्रू, लैंडिंग पेज बिल्ड करना है, लैंडिंग पेज का टेस्टिंग करना, ऑफर कॉपी, कॉल टू एक्शन, रीटारगेटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन से होगा। लैंडिंग पेज, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं तो लैंडिंग पेज कैसे करोगे, कॉपी राइटिंग का अगर नॉलेज नहीं तो लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ाओगे, राइट? ऑफर का आइडिया नहीं है तो मतलब मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, कॉल टू एक्शन यानी कि अगेन आपको कॉपी का नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है चीजों का, राइट? बाउंस रेट यानी कि आपको एनालिटिक्स का नॉलेज नहीं है। सो गाइस, अगेन अगर सिर्फ आप मेटा एड्स में सीखोगे ना, मेटा एड्स अपने आप में एक डिजिटल मार्केटिंग है, का पोर्टफोलियो है तो अम्ब्रेला है। मिथ नंबर टू क्या है दोस्त, आप बोलोगे मैं एक ही स्किल सीख के जॉब के लिए निकल जाऊंगा, कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी अगर आपके पास एक सिंगल स्किल है। कोई प्रोडक्ट कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाओगे, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, क्यों वो आपको एक पैकेज अच्छा ऑफर करेगा जब सोशल मीडिया का काम आपको सिर्फ आता है, आपको सिर्फ पोस्ट बनाना आता है या आपको सिर्फ कैंपेन सेट करना आता है? वो तो कहेगा यार ये काम तो यार दिन में एक घंटे से ज्यादा का नहीं है, 9 घंटे के शिफ्ट में बंदा करेगा क्या? तो आपको वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप बाकी सारी चीजों भी देखो, राइट? आप सिर्फ मेटा एड्स करके सर्वाइव नहीं कर सकते प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, राइट? इवन इन सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो, आप अगर 2 घंटा अगर एड सेट कर रहे हो, कैंपेन मॉनिटर कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो 8 घंटा वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऑर्गेनिक चीजों भी देखो, आप ईमेल कैंपेन्स रन करो ताकि जो लीड जनरेट हो रहे उनको कैसे हम नर्चर करेंगे, राइट? अगर आप कोई एक स्किल के अराउंड अपने आप को डिलिमिट कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी आप बहुत सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर रहे हो। इसे कहते हैं टी शेप मार्केटर बनना, राइट? टी शेप, मैं तो हमेशा अपने सारे के सारे मेंटीज को, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप टी शेप से अपना करियर बिगिन करो, बाकी सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट। टी शेप जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आप करियर बिगिन कर सकते हो बाई हैविंग एन ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेके आप फेसबुक एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, कॉपी, गूगल एड्स, वेबसाइट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सीखो। जब आप 2-3-4 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, व्हेन यू गो 3-4 इयर्स डाउन द लाइन, तो आपको समझ में आएगी कि ऐसा कौन सा स्किल है और ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जहां पे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। देयर यू फाइंड योर इकिगाई, वहां पे आप अपना स्वीट स्पॉट फिगर आउट करते हो, क्योंकि जब आप 3-4 साल काम करने लग जाओगे ना, कंपनी में आप से सोलो एंटरप्रेन्योर नहीं रहोगे, आप एक सोलो कंट्रीब्यूटर नहीं रहोगे। कोई भी कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आप हैंडल करो एजेंसी को, हैंडल करो इनहाउस टीम को, 3-4 साल के बाद आप टीम लीडर मैनेजर पोजिशन हो जाओगे।
अगर आपको इन सारे चीजों के ऊपर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे गवर्न करोगे काम, कैसे अलॉट करोगे काम, कैसे मॉनिटर करोगे वर्क? सो दिस इज वेयर आज का आपका टी शेप मार्केटिंग का जो करियर आप बिगिन करोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। आप एक पर्टिकुलर स्किल में आप मास्टरी रखो, लेकिन टीम को हैंडल करने के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स के ऊपर आपको ओवरऑल आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस या प्रोडक्ट कोई एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकता। जैसे हम ऐप डेवलपमेंट का सर्विस देते हैं, राइट, हम सर्विस तो देते हैं ऐप डेवलपमेंट का, लेकिन ऐप डेवलपमेंट का सर्विस को देने के लिए हम SEO करते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। भाई सबसे ज्यादा कड़वा सच तो ये है, बहुत सारे मैसेज मेल आते हैं, आपके मन में भी यही होगा, सर आई एम ए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट, आई कैन जनरेट लीड्स, बट आई डोंट नो हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर माई फ्रीलांस बिजनेस। भाई तो क्या कर रहे हो, है ना, दूसरे के लिए लीड ला सकते हो, वही स्किल यूज करके खुद के लिए ला सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह ही ऑपरेट कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, राइट। आपको सिर्फ टूल्स का नॉलेज है, लेकिन वो टूल्स का नॉलेज को आप बिजनेस के नॉलेज के साथ मैप कर ही नहीं पा रहे। देखो आज के डेट पे कोई भी मार्केटर स्ट्रांग बनता है ना बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसे वो हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस, वो है आपका इंडस्ट्री या तो ग्रुप ऑफ बिजनेस। जब तक आपको बिजनेस का एक्विपमेंट नहीं है ना, यू कैन नॉट सक्सीड। यानी कि आपको अगर खाना बनाना अच्छी तरह से आता है, कोई गारंटी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट का मालिक बन जाओ, राइट। आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप ड्राइवर बन सकते हो, आप ओला उबर जैसे कंपनी नहीं चला सकते। सो यू हैव टू डू दैट माइंड शिफ्ट। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हो यार, मार्केटिंग का नॉलेज है क्या? मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग तो बहुत पुराना है, मार्केटिंग बेसिक मार्केटिंग के फंडामेंटल्स आज तक चेंज नहीं हुए, राइट। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सेम थे, डिजिटल मार्केटिंग में भी चेंज है, फ्यूचर में जो टेक मार्केटिंग आएगा वहां भी चेंज होगा, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे पोजीशनिंग, रिसर्च करना, 7P ऑफ मार्केटिंग, जो कि शायद IIM में जब आप MBA करने के लिए जाते हो तो पहला एक महीना 7P सिखाते हैं, राइट। मार्केट का सेगमेंट कैसे करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, ऑडियंस प्रोफाइलिंग कैसे बिल्ड करनी है, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे बिल्ड करना है, टारगेट मार्केट साइज कैसे फिगर आउट करोगे, प्राइसिंग कैसे करोगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे करोगे। तो मार्केटिंग फंडामेंटल रिमेन ऑल द सेम, टूल से ज्यादा, डिजिटल से ज्यादा भाई मार्केटर बनो। इट इज द रीजन यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, इट इज द रीजन यू आर नॉट गेटिंग पेड। सपना, नेक्स्ट कम सपना देख रहे हो ना भाई, मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए। स्वर्ग जाना सबको है लेकिन मरने का नहीं। भाई इंटरनेशनल क्लाइंट लाना है बट यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल लाइन इन इंग्लिश। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर के जैसे बात करना है कि शशि थरूर या तो हर्ष बोगले जैसा बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन स्किल तो होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मैसेज मेल करते हैं उनको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, वो एक चार लाइन का एक प्रोफेशनल ईमेल नहीं लिख पाते हैं। ट्रस्ट मी, ठीक है तुम स्क्रिप्ट लोगे चिपकाओगे, क्लाइंट रिप्लाई करेगा फिर क्या करोगे, ठीक है तुम कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, राइट, लेकिन क्लाइंट आपको कॉल पे लेके जाएगा। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाओगे, अपने स्ट्रेटेजी को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, तो भाई चीजें डिफिकल्ट है और आप ईगो में आ जाते हो, भाई मेरे को तो इंग्लिश आता नहीं मैं क्यों सीखूं। भाई इट इज अगेन ए स्किल। एडमी में हम इतने सारे प्रेजेंटेशंस करते हैं स्टूडेंट के पर्सनालिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, अच्छा खासा बंदा एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक तो पहुंच ही जाता है। फाइनली यू आर रियली डिस्ट्रैक्टेड, तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो दोस्त, एक वेबिनार से दूसरे वेबिनार, ध्यान से सुनो ये चीज, है ना, अगर ये वीडियो देख रहे हो, यू डू नॉट फैक्ट चेक बिफोर आप कोई वेबिनार में बैठते हो। कोई बता रहा है कि सर्विसेज बिजनेस के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई कह रहा है कि चार टेम्पलेट ले लो करोड़पति बन जाओगे, कोई कह रहा है कि AI के थ्रू आप ये कर लोगे वो कर लोगे, आप अपने आप को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है क्या आपने फैक्ट चेक किया, क्या आपने जाके कभी भी सोचा कि क्या वो उसका इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उनसे सीखूं चीजें। अगर मुझे आज के डेट पे एक गुरु चाहिए तो मैं तो देखूंगा ना यार गुरु जी का कितना एक्सपीरियंस, राइट, तभी तो वो गुरु बनने के लायक है। लिंक्डइन पे जाके फैक्ट चेक करो कि लास्ट 4 साल में उन्होंने कितने सारे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स पे काम किया, कौन कौन से कंपनी में जॉब किया, उनका रोल क्या था। वॉच इट, गो इट, फॉलो देयर कॉन्टेंट ऑन द लेजिट प्लेटफॉर्म। आप सिर्फ मल्टीपल एड्स को देखते हो और जाके बैठ जाते हो। भाई एक बात बताओ, 20-25 साल आपने पढ़ाई की, 20-25 हज़ार का नौकरी कोई आपको दे नहीं पा रहा है, 20-25 के वेबिनार में कोई आपको बोल रहा है मैं करोड़पति आपको बनाऊंगा, कोई लॉजिक समझ में ही नहीं। यू आर सिंपली डिस्ट्रैक्टेड। मेरा मैसेज क्लियर कट था इस वीडियो में, टू गिव यू ए क्लियर कट अवेयरनेस व्हाई योर करियर इज इन डेंजर। सही एक्सपेक्टेशन के साथ सही तरीके से अगर आप मार्केटिंग को एक एजुकेशन की तरह लेके जाओगे, लर्निंग की तरह समझोगे,
नो मैटर इफ एन एंटरप्रेन्योर और एक जॉब सीकर, तो एक कॉन्क्रीट करियर बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज वी हैव बिल्ट मल्टीपल करियर्स ऑफ मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल जो आज के डेट पे कॉर्पोरेट में अच्छे जगह पे पोजिशन पे जॉब कर रहे हैं, वो अमेजोन हो, रिलायंस हो, पेप्सिको हो, दे आर माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग देयर एंड सक्सीडिंग एज वेल. जीरो से आया एक फ्रीलांसर सिक्स फिगर इनकम करके जाता है बिकॉज दे कम विथ अ राइट एक्सपेक्टेशन एंड दे सरेंडर एंड रिमेन हम्बल ड्यूरिंग द लर्निंग. द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून, विद इन फ्यू वीक्स द अगला बैच शुरू हो रहा है. अगर आप रियली सीरियस हो कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए बिकॉज स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो. क्योंकि नेक्स्ट 2 to 3 minutes मैं आपको क्विक 2 मिनट पे ब्रीफ करता हूँ कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेंटर लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या मिलने वाला है. Thank you so much. And the good news is, Admi ने अपना lifetime mentorship program launch किया. Admi ने अपना lifetime mentorship program launch किया, which is advanced diploma in digital marketing and business leadership. अगर आप एक individual हो, freelancer हो, agency owner हो, stuck हो अपने business को grow करने के लिए, then this particular video is for you. This particular course प्रोग्राम इज फॉर यू. नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतने जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं. नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. अगर आप हमारे Admi में, हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो, तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है. फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स ऑल्सो यूल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर एंड, राइट. नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट. वी आर जस्ट 1 कॉल अवे. इट इज लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है. नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी. आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर वॉट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी. 13 years एक्सपीरियंस टीम. वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल. वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट. हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पर पॉपअप हो गए कोई वेबिनार का, आपको 99 rupees का झांसा देके कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट. 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड. आप देख सकते हो Admi ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं. आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल. बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है. इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर. एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं. योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर. अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है. यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली. ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन माई लाइव सेशन. द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून.